हज़रत अल्लामा अशरफ़ी काज़ी साहब का मुकाम पढ़ा दिया कि आपने उनका बयान सुना और जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती। बाकी बात रही है हमारी, तो हम में से ना कोई खतीब है ना हमें तकरीरों का शौक है, और वैसे भी जो तकरीर सुनने आया वो भी जा सकता है, क्योंकि तकरीर तो आती नहीं, जो खिताब सुनने आया उसको भी इजाजत है। और यहाँ वही बैठे जो सरकार को दिल देने आए, क्योंकि हजरत अमीर मुजाहिदीन फरमान से दिल देन दी जा ही की है। ठीक है, वाह वाह वाह। जेड़ा देन आया ना दिल ओ ते बैठ जाए, तो यहां याद रखना है मुखबरी ओ भी बैठ जाए, क्योंकि भूंदे से काट के जाएंगे इंशाल्लाह। बात चुप छुपा के नहीं होती। अमीर मुजाहिदीन फरमान से जिसकी मस्जिद में बैठ के तकरीर करते या वहां बैठ के काम के काम दे, उससे बदल में क्या जाना, क्या बात है, उसका कुफर तो क्या गिरा गया। बड़ी एक अच्छा बात लिखी है मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते ना वो बंदे आके तो तुम सोचा भी है, जबान से तुम्हें कलमा पढ़ा, अपने आप को तुम आशिक मुस्तफा कहते हो, मिराज शरीफ के जलसे तुमने बनाए और तस्बीहात तुमने पढ़ी, हज तुमने किए, उम्रे तुमने किए, हुजूर के गुलाम तो तुम हो ना सारे, हर बंदा कहता है, और पूरी जिंदगी नमाजा भी तुम पढ़ते रहे, हज भी करते रहे, उमरा भी करते रहे, सदकात भी देते रहे, बड़ा वज़ाइफ भी किए, जो कुछ कर सकते थे किया। मौलाना रूम फरमाते ने कहते तू सोचा भी है क्या तेरा कलमा पढ़ा हुआ रब की बारगाह में भी कबूल हुआ है, नमाज तो सारे पढ़ गए, ऐसी भी पढ़ गए, जवाब में सुना कि तो सोचे है कि तेरी पढ़ी हुई नमाज भी आपने कबूल की है कि नहीं, ईमान जो तू ले गया रब रब की बारगाह में वो मोतबर भी है, मकबूल भी है कि नहीं, आगे जो उसकी निशानी है। आप फरमाते हैं कि इतना अरसा तू नमाजा पढ़िया, दस भी तेरी शख्सियत से तेरे निखार आया कि नहीं। मेरे बचाए दिन फरमाते सन, आप फरमाते सन, बंदा दिलों पढ़े ना सरकार देते दरूद, ते हर शायद बंदे ने चमकने लग जाती है। आप फरमाते हो कि यार तूने नमाजें भी पढ़ी, सब कुछ किया, बताओ कि तुम्हारे शख्सियत के ऊपर कोई निखार भी आया कि नहीं। नमाजों पढ़ पढ़ के फिर भी दिल धड़के ना मुझसे रसालत के लतारों के साथ अलहाज हो गए, हज कर कर के जनाब दिल धड़के, जिन्होंने अकीदा खत्म ने बहुत के ऊपर डाका डाला उनके साथ, मैं कहना खुदा की कसम उससे एक गुना नहीं लाख गुना करोड़ गुना तो रेड़ी चलाने वाला बेहतर है, और जिसका दिल धड़कता है तो मदीना पाक। अमाल की बोरी मन की बोरी तो तैयार होगी, आप कहते हैं हर दस तू गया मक्का मदीना, स्वाद तेरे मिल गया, लेकिन तेरे शख्सियत के ऊपर निखार क्यों ना आया। आप फरमाते हैं वजह यही है कि मन की बोरी अमाल की बोरी गुत्थी तो तेरी तैयार होगी, गुत्थी तेरी तैयार है, लेकिन आप फरमाते हैं वो फिर नफ्स का तेरा चूहा सी जो उसने खा गया। आगे आप फरमाते हैं वो फिर गुजरी वो भी नफ्स का चूहा है, मदानत वो भी नफ्स का चूहा है, शोहरत वो भी नफ्स का चूहा है, तालबे दुनिया हो जाइए तकरीर करेंगे 50,000 दियो ए भी नफ्स का चूहा, पीर साहब आके पीरी फकीरी करो सानू मनो हजूर दी दीन ते हमले हो जाए उन्हें भी छोड़ दो, ये भी कौन सा नफ्स का चूहा, बताओ जी मौलवी मौलवियत करे पीर पीरी करे, हम नमाजें पढ़े आप नमाजें पढ़ाकर पढ़ कर आप चले जाए, सारे लोग के नारा तो लगाए कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, लेकिन आप बताए पूरी दुनिया में इस वक्त 1.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान, खुदा की कसम पूरी दुनिया में 1.5 फुट की जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके ऊपर निजाम मुस्तफा बन पाए। इसकी वजह क्या है? मौलाना रूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं याद रखो सारे सारे एक जैसे हैं, दो हाथ है दो कान है दो आंखें हैं चेहरा है दो पांव है दो टंगा है, आप फरमाते हैं बजाय सारे एक जैसे, लेकिन कहते हैं याद रखो कि जिसकी फितरत अंदर से गंदी हो गई गंदा अंदर से गंदा हो गया। अब ये अंदर की बात आ गई, आप फरमाते हैं खुदा की कसम वो नबियों का जमाना पाक की भी मस्जिद रात नहीं आ सकता, नबी की तकरीर सुन के आएगा, लबैक का नारा सुन के आएगा, पीर साहब की धूम मरवा के आएगा, नहीं आप फरमाते हैं जो तो अंदरों बंदा गंदा हो जाए ना अंदरों गंदा हो जाए, वो नबियों का जमाना पाक की भी मस्जिद रात नहीं आता। अब इसकी मिसाल हमने आका और मौला को देखा नहीं, लेकिन बिन देखे सीने के मुस्तफा से छम छम तारे के नहीं गाए, बिन देखे सब कुछ हुजूर के नाम की तरफ छावर करने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता, तो फिर अबुल हिकम है वो बहुत ऊंची जात है, बड़ी नस्ल है, बड़ा असर है, और कुरैश के सरदारों में से एक सरदार है, लोग कहते हैं हिकमत का भी प्यो है इतना सयाना है और उसकी अकल के क्या कहने हैं, लेकिन एक बार नहीं दो बार नहीं 53 साल 53 ईयर्स आका मौला का चमकता बदवा चेहरा उसने देखा, और वो चमकता चेहरा
जिसको पत्थर देके भी दुरुद सलाम के नजराने दे। कैसा आका वो मौला का दुआ चुनता चेहरा, शजर भी हजर भी दरख्त देकर वो भी जरा पाँव पर झुक जाए, और पागल टूटो वो भी आका वो मौला का चुनता चेहरा देखे तो गर्दन के पार अपना वजूद घसीटते हुए हजूर के पाँव पर झुकने चुने। उसके बाद 53 साल अबुल हिकम ने यह दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारा फितरत गंदी ना करे, रब हमारी चौथ से है वो फितरत गंदी ना करे, दिल साडा चमकदार रहे। सुनो जी, 53 साल आका मौला का चमकता चेहरा देखा, अबुल हिकम साहबी रसूल नहीं बन सका, तौहीद की अमानत उसके सीने में नहीं आ सकी, इश्क मुस्तफा का एक जान का कितना भी उसको नसीब ना हुआ, ईमानदार वो ना बन सका, और अबुल हिकम से वो अबू जहल बन गया, साहबी रसूल ना बन सका। लेकिन दूसरी तरफ आप फरमाते हैं फिर वो दूसरा एक शख्स है जो ना मक्के का रहने वाला ना मदीना का रहने वाला, दुनिया उसको गुलाम हबशी कहती है। वो गुलाम जिस्म की रंगत हो सया लेकिन अंदर चमकदार सी फितरत हो चमकदार साफ सुथरी, तो फिर आका और मौला का एक जलवा देखा, रब ने जे उसको बख्श दिया कि जब जब गुलाम हबशी जमीन के ऊपर थे आपकी कदमों की आग जन्नत के अंदर सुलाई दिया। इधर बंदा सामने चले, इधर कदमों की आग बिछाई आई, कदमा दी आहट कुछ नहीं सुन सकते थे। हजूर ने फरमाया जब मैं गया ना मिराज पे, मिराज पे जब आका मौला हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गया, फरमाते हैं मैं जन्नत में पहुंचा तो क्या देखा कि मेरा गुलाम बिलाल हबशी चलता मक्के की वादी में है और उसके कदमों की आहट खुद मैंने अपने कानों से जन्नत के अंदर सुनी। वजह क्या है? वजह तो बस इतनी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह को तलब तेरे हैं, ये तो हमने सुना कि बिलाल हबशी को इश्क मुस्तफा की पदाश में आपके गले के अंदर रस्सी डालकर मक्के की गलियों में इश्क मुस्तफा की वजह से घसीटा गया, लेकिन मालिकों ने बिलाल को इतना नवाजा कि उन्हें मक्का की वादियों में आप चलते थे कदमों की आग तक आका और मौला जन्नत के अंदर खुद सुना सके। लेकिन जब मक्का फतह आया तो फिर हजूर ने फरमाया बड़े बड़े जल्ला शान वाले सहाबा थले खड़े सर, हजूर ने फरमाया कि अब अगर काबे की छत पर चलेगा तो वो भी बिलाल हबशी चलेगा, आज किस केस का फैज आम है, रूमी फना हुआ बिलाल हबशी पर दुमान है, हजूर के साथ वफा करनी है तो करोगे ना जी इंशाल्लाह।